सबसे पहले मैं हिंदी सृजन उत्सव गोवा में जो आयोजन किया है आयोजन समिति का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस आयोजन के कारण मुझे लगता है जो हिंदी भाषिक में नहीं कहूंगा लेकिन हिंदी लाइक करने वाले हिंदी जो चाहने वाले लोग यहाँ पे बहुत करके आए हैं और खास करके गोवा में वैसे तो कोंकणी मराठी और इंग्लिश इज गिविंग द प्रेफरेंस और नेशनल लैंग्वेज हिंदी होके भी हम कम पढ़ते हैं कम सुनते हैं, सिर्फ हम हिंदी कभी सुनते हैं और देखते हैं तो फिल्म देखने के लिए। हमें बहुत कम आदत है कि हिंदी पढ़ने की, हमें कम आदत है हिंदी सुनने की, सिवाय फिल्म के सिवाय हम कुछ हिंदी वैसे सुनते नहीं हैं। लेकिन कंटिन्यूसली देयर इज अ गुड स्कोप इन द लैंग्वेज स्पेशली व्हेन देयर इज अ ट्रांसलेशन बिटवीन फ्रॉम द हिंदी टू कोंकणी इंग्लिश टू कोंकणी और अपना हमारा राज्य भाषा ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज अभी लैंग्वेज में रिसर्च करने लगा है और लैंग्वेज में जिस तरह के हमें ट्रांसलेटर की जरूरत है क्योंकि कौन सी भी लैंग्वेज वी वांट टू ट्रांसलेट दैट फ्रॉम हिंदी टू कोंकणी इंग्लिश टू कोंकणी मराठी टू कोंकणी अदरवाइज फ्रॉम द पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज टू द कोंकणी। एट प्रेजेंट we have done the MOU with the research department of the government of India for the translation and we want a good translators to translate from the different language to the Konkani language. इसलिए मैं मेरे सभी भाई और बहनों को request करूँगा कि ना बल्कि only the Konkani English और मराठी, आप लोगों ने हिंदी सीखना भी बहुत जरूरी है। आजकल जो हिंदी में ज़्यादा सीखेंगे वो देश लेवल पे उन्हें बहुत ही बड़ा स्कोप है। मुझे लगता है कि रिसर्च करने के लिए हो या बाकी जब इवन दो नाउ आफ्टर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सो मेनी हैव द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन इज ऑल्सो स्टार्टेड इन द रीजनल लैंग्वेज। आपको कहने के लिए मैं बता दूंगा कि अभी प्रोफेशनल कॉलेजेस के सभी सिलेबस हैव कन्वर्टेड इन टू द रीजनल लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल द इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस इन द मध्य प्रदेश जैसे स्टेट ने राजस्थान जैसे स्टेट ने दे हैव कन्वर्टेड देयर होल सिलेबस इन टू द रीजनल लैंग्वेजेस विच इज अ हिंदी लैंग्वेज। इसलिए जो हिंदी में पढ़ना और हिंदी की भाषा सीखना लिखने पढ़ने के लिए और हिंदी में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करना नॉट ओनली द कथाकार गीतकार के लिए नहीं तो इन फ्यूचर ट्रांसलेटर के लिए भी बहुत ही अच्छा काम आ सकता है। मुझे लगता है कि ये हिंदी सृजन उत्सव आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। जिस तरह से आप ने न बोल के कथाकार और कविताकार हो जाएंगे बल आपके करियर निश्चित करने के लिए भी हिंदी लैंग्वेज आपका मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आपको सभी को युवा प्रतिभा इस संवाद में इस एक दिन के कार्यशाला में आप लोग जिस तरह उत्साह के साथ पार्टिसिपेट हुए हैं आपका हिंदी के प्रति प्यार और भी बढ़े और अपनी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है उसके प्रति आपका साहित्य निर्मिति हो उसके प्रति स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन गोवा में ऐसे अच्छे स्टूडेंट तैयार हो इसी के लिए एज एजुकेशन मिनिस्टर मैं चाहूँगा और आगे आने वाले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप इस हिंदी लैंग्वेज के लिए है। इसलिए आज के दिन पर मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूँ और जाते जाते आप लोग यहाँ पे आए हैं तो मैं एक बात जरूर कहूंगा तालिगांव कम्युनिटी हॉल में आज के दिन के अवसर पर आज और कल यानी आत्मनिर्भर भारत के ऊपर एक बहुत ही अच्छा और बड़ा एग्जीबिशन लगा है। ईच एंड एवरी मिनिस्ट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वहाँ पे हाईलाइटेड है। मुझे लगता है कि रिसर्च और जानकारी लेने के लिए आप जैसे बच्चों ने जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ रहे उन्होंने वो एग्जीबिशन देखना बहुत ही जरूरी है और आप निश्चित रूप से देखो क्योंकि वहाँ से स्टार्टअप और इनोवेशन से लेके क्वायर तक की सभी डिपार्टमेंट एग्जीबिटेड है। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपके बहुत कुछ फायदेमंद है इवन दो यू कैन डू द वेरियस फर्दर स्टडीज एंड रिसर्च इन टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। आज के इस अवसर पर हिंदू सृजनोत्सव 2023 में फिर एक बार मैं मैडम अलका सारंगी का कलकत्ता से यहाँ आके हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही बड़ा मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह से मुझे लगता है आजकल मेरी फ्लुएंसी थोड़ी हिंदी में बढ़ गई है मध्य प्रदेश और यहाँ पे जाके मुझे लगता है कि ऐसे ही मौका मिले। जय हिंद जय भारत।